नई रेसिपीज जानने के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करें शुद्ध देसी किचन। शुद्ध देसी किचन पे आज तवा चिकन पिज्जा कैसे बनते हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। 100 ग्राम के ऊपर चिकन है, बोनलेस बॉईल कर लिए है, चीज है, हरा कांदा पत्ता है, टमाटर है, कॉर्न है, हरा कांदा, पीला शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, हरा शिमला मिर्च और कॉर्न, हरा मिर्ची बारीक बारीक कटा हुआ, काली मिर्च, ब्लैक पाउडर, चिली फ्लेक्स और चिली पाउडर है, ऑर्गेनिक सीड है, सॉल्ट है, सामग्री है। चिकन तवा पिज्जा के लिए बटर डालने के बाद शिमला मिर्ची, रेड शिमला मिर्ची, फिर पीला, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई इसलिए करेंगे जो हरापन जो है इसका मर जाएगा, हरापन मरने से आपका टेस्ट निकल के आएगा और ज़्यादा पकना भी नहीं चाहिए। उसके बाद कॉर्न सीड डालेंगे, पाना डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, अगर देखिए इसका मसाला जो है रेडी हो गया। अब इसमें चिकन डालेंगे, बॉइल किया हुआ जो चिकन है, बॉनलेस चिकन, तो चिकन इसमें डाल देंगे। उसके बाद गरम मसाला डालेंगे, चिली फ्लेक्स, चिली पाउडर और जमीन सीड डालेंगे, नमक एंड काली मिर्च पाउडर। 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से भूनेंगे। तो इसमें हरा पत्ता का जो है, हरा कांदा का जो पत्ता वो डाल देंगे, हरी मिर्च, चीज़ डाल देंगे थोड़ा सा। ये मसाला बन के रेडी है। अब इसके साथ जो रोटी बनेगा वो रोटी बना के आपको दिखाएंगे। आधा किलो मैदा है, आधा लीटर पानी बॉईल करेंगे हल्का सा, 1 टीस्पून जो है नमक डालेंगे इसके अंदर, गर्म पानी में बेकिंग सोडा डालेंगे 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून शक्कर डालेंगे, यीस्ट सीड जो है वो डालेंगे। हल्का सा गर्म होना चाहिए पानी, ज़्यादा गर्म जलने की जरूरत नहीं है। इसी गर्म पानी से आटा को गूंदेंगे। अब जो पानी है इसके अंदर गर्म पानी को डाल देंगे, फिर एक चम्मच से, क्योंकि पानी गर्म है तो हल्का चम्मच से इसको मिलाइए। इसको देखिए आटा एकदम उसी में मिक्स हो गया है, हल्का गर्म लगेगा आपको हाथ में, क्योंकि ठंडा का वेट करेंगे आप तो थोड़ा आटा में जो है गांठ आ जाएगा मैदे में। हल्का सा फुहारा दे दीजिए पानी का, आटा ज़्यादा टाइट नहीं रहना चाहिए, आराम से रोटी टाइप का बेलना चाहिए, हल्का उस टाइप का नरम करना है। तो आटा गूंद के इसको 2 से 2.5 घंटा तक छोड़ दीजिए गूंद के। तो ये देखिए मैदा जो है पिज़्ज़ा का रेडी है। 2 घंटे पहले जो भिगो के रखे थे बना के आटा गूंद के, अब इसको रोटी टाइप का जो है मोटा रोटी जैसे बनता है उस टाइप से बेला जाएगा। से आकार दे दीजिए ताकि फूक सके। तवा पे पिज्जा कैसे बनते हैं वो आपको दिखाया जा रहा है शुद्ध देसी किचन पे। अब इसके ऊपर से टमाटर सॉस लगाएंगे, उसके ऊपर से चीज स्क्वायर लेयर लगाएंगे, जो मसाला बनाए थे इसका वो डालेंगे। तवा चिकन पिज्जा कैसे बनते हैं वो आपको बताया जा रहा है शुद्ध देसी किचन पे। फिर ऊपर से चीज का लेयर लगा दीजिए, फिर ऑर्गेनिक सीड, फ्लेक्स, थोड़ा सा बटर लगा देंगे तवा पे। तो अभी देखिए 5 से 7 मिनट के इसको ढक के रख देंगे धीमी आंच में, दो आंच जिसको बोलते हैं। और देखिए पिज्जा बन के रेडी है, गर्मा गर्म चिकन तवा पिज्जा बन के रेडी है। तो शुद्ध देसी किचन पे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिए, शेयर करते रहिए वीडियो।